मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार है और उसके 28 नाम आज तक के पास पूरी लिस्ट आ चुकी है। इसमें युवा से लेकर अनुभवी नेता तक जिनको मौका दिया गया है, वो विधायक जो पहली बार विधायक बने हैं उनको भी मंत्रिमंडल में जगह देने की बात सामने आ रही है। साथ ही साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों का भी यहां पर सामने उनको भी तवज्जो एक तरीके से कहिए देने की कोशिश है। तो आज तक के पास एमपी के 28 मंत्रियों की ये पूरी लिस्ट है। 3:30 बजे दरअसल नए मंत्री जो हैं वो शपथ लेने वाले हैं, पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। लेकिन अगर देखें तो इसमें सिंधिया समर्थकों की लॉटरी लगी है, जो कल केंद्र में थे वो एमपी में अब राजपाट संभालते हुए दिख रहे हैं। रवीश पाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रवीश, क्या इस पूरी लिस्ट में कोई चौंकाने वाला नाम भी? हेलो रवीश, आवाज पहुंच रही है आप तक? और ये आज तक के पास उन नामों की सूची आ गई है, मैं आपको बता दूं, जो मैं पहले भी आपसे कह ही रहा था थोड़ी देर पहले ही। और देखिए, जैसे कि हमने पहले भी खबर बताई थी कि 18 जो है वो कैबिनेट मंत्री होंगे, 6 राज्य मंत्री होंगे स्वतंत्र प्रभार के, 4 राज्य मंत्री होंगे। अब उन सभी नामों की सूची जो है आज तक के पास आ गई है और सिंधिया समर्थक सभी नाम जो है वो इस सूची में शामिल है, जिनके नामों को हमने पहले भी ब्रेक किया था, लेकिन वो तब सूत्रों के मुताबिक नाम हम चला रहे थे। अब हमारे पास सूची है, इसमें प्रद्युमन सिंह तोमर, तुलसी सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत, ये 3 सिंधिया समर्थक खेमे के मंत्री हैं जिनको जगह मिल गई है एक बार फिर से मंत्रिमंडल में। इनके अलावा आपको बता दें, इंदल सिंह कंसाना, नारायण सिंह कुशवाहा, विजय शाह, राकेश सिंह जो कि सांसद थे अब चुनाव लड़ा उन्होंने, प्रहलाद पटेल सांसद थे, केंद्रीय राज्य मंत्री थे, अब चुनाव लड़ा उन्होंने, कैलाश विजयवर्गीय बड़ा नाम, एक बार फिर से आपको बता दें, करण सिंह वर्मा, संपत्तिया उइके, उदय प्रताप सिंह ये भी सांसद थे, इन्हें भी मंत्रिमंडल में जगह मिली है, निर्मला भूरिया, विश्वास सारंग, इंदर सिंह परमार, नागर सिंह चौहान, चैतन्य कश्यप, राकेश शुक्ला, ये कैबिनेट मंत्री हैं जो हमने आपको नाम बताया। इसके अलावा बाबूलाल गौर जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनकी बहू कृष्णा गौर जो कि दूसरी बार की विधायक हैं, इन्हें स्वतंत्र प्रभार दिया गया है राज्य मंत्री का। इनके अलावा धर्मेंद्र लोधी, दिलीप जायसवाल, गौतम टेटवाल, लखन पटेल और नारायण पवार, इनको स्वतंत्र प्रभार दिया जाएगा। साथ ही में राज्य मंत्री जो है 4 हैं जिन्हों शपथ लेनी है, राधा सिंह, प्रतिमा बागरी, दिलीप अहिरवार, नरेंद्र शिवाजी पटेल। नरेंद्र शिवाजी पटेल, प्रतिमा बागरी ये भी पहली बार के विधायक हैं, तो इसके जरिए मतलब आप मान के चलिए कि अनुभव जिनमें बड़े नाम है, प्रद्युमन सिंह तोमर, तुलसी सिलावट, नारायण सिंह कुशवाहा, कैलाश विजयवर्गीय, राकेश सिंह, प्रहलाद पटेल, ये बड़े बड़े नाम जो है, विश्वास सारंग, गोविंद सिंह राजपूत, इंदर परमार, ये तमाम बड़े चेहरे हैं इस मंत्रिमंडल के। इनके अलावा नए चेहरों को भी इस बार जगह दी गई है, जिसमें कृष्णा गौर का नाम है, नरेंद्र शिवाजी पटेल का है। लेकिन इससे एक बात साफ हो गई है अर्पिता, इस मंत्रिमंडल की सूची से, कि मध्य प्रदेश में एक तरीके से एक जो पुराने बड़े चेहरे थे, कद्दावर चेहरे थे, उन सभी को इस बार ड्रॉप कर दिया गया है। आप देखिए, ना ही इसमें गोपाल भार्गव का नाम है, ना ही इसमें भूपेंद्र सिंह का नाम है, ये बड़े कद्दावर चेहरे रहे हैं शिवराज सरकार में। 16.5 सालों की जो सरकार रही है शिवराज सरकार की, 18 सालों की भाजपा की जो सरकार रही है उसमें ये मंत्री होते थे, लेकिन उनका नाम इसमें नहीं है। डॉक्टर प्रभुराम चौधरी सिंधिया खेमे के हैं, लेकिन इस बार उनका नाम नहीं है। वो कमलनाथ सरकार में भी मंत्री थे, शिक्षा मंत्री थे, उसके बाद वो शिवराज सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बने, लेकिन उनका नाम इस बार मंत्रिमंडल से ड्रॉप कर दिया गया है। लेकिन सिंधिया समर्थक जो दूसरे उनके नजदीकी मंत्री हैं, प्रद्युम्न तोमर, तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत, उन्हें एक बार फिर से जगह मिल गई है। तो ये एक बड़ा फेरबदल तरीके से देखा जाए तो कई सारे नए चेहरे जो पहली बार इस बार मंत्री बनने जा रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार में। ठीक है, ठीक है रवीश, बहुत बहुत शुक्रिया, रजा बनाए रखिए, आप आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।